खूंटी लोकसभा के महागठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने लगातार गांव का दौरा कर मतदाताओं के बीच बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में खूंटी प्रखंड के लादुप पंचायत के सिरुम, बीजागुड़ और आसपास के इलाकों में उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया। कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने कहा है कि झारखंड में पिछले 15 साल में उद्योग धंधे, खासकर लाह जैसे लघु उद्योग खत्म होने से स्थानीय ग्रामीण और किसान परेशान हैं, लेकिन इस ओर बीजेपी सरकार का ध्यान नहीं गया है। पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है। खूंटी पहले से लाह के लिए जाना जाता था, लेकिन अब किस लिए जाना जा रहा है, इसके लिए कौन दोषी है और किससे छुपा नहीं है। अब जरूरत है कांग्रेस की सरकार बनाने की, जिससे लोगों में भरोसा जीता जा सके। जनसंपर्क अभियान में कांग्रेस के साथ साथ झाबीमो और झामुमो के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अरु महागठबंधन के प्रत्याशी है को मैं जेकर हाथ छाप सिंदूर है। मैं बड़े बड़े बात नहीं कहूंगा। हम लोग हमरे खेत खरिहान से आए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी टाटा कंपनी से उतरे। टाटा कंपनी के हमरे बात करब खेत खरिहान के, जगह जमीन के हमरे बात करब, यहाँ के आदिवासी बुलवासी मन के हित के और उमन बात करब बड़े बड़े टाटा कंपनी के। भाई बहन मन हमरे कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन के सिपाही है कि हमरे चाहिला यहाँ के विकास हो,